Okay, fine. Class 9. So, are you all clear with the topics which we have done in the earlier previous classes? So, now you know that the bacteria is producing the antitoxins. ठीक है? अब जो बैक्टीरिया है, सॉरी, द हॉर्स एंड काउ, दे उसके ब्लड में मैंने आपको बताया था कि वो बैक्टीरियल टॉक्सिन के अगेंस्ट जब एंटीटॉक्सिन बनाएंगे तो उनके ब्लड के अंदर बहुत सारे एंटीटॉक्सिन आ जाएंगे, राइट? सो नाउ यू विल टेक आउट द ब्लड ऑफ दैट पर्टिकुलर हेल्दी हॉर्स और काउ एंड यू कैन सेपरेट द सीरम फ्रॉम दैट ब्लड. यू कैन सेपरेट द सीरम फ्रॉम दैट ब्लड एंड यू कैन मेक दी यू कैन इजिली टेक आउट द एंटी टॉक्सिन फ्रॉम दैट सीरम. अब देख रहे हो कि आपने सीरम के अंदर से, क्योंकि ब्लड से तो आप क्या लोगे, प्लाज्मा लोगे, प्लाज्मा में से आप क्लॉटिंग फैक्टर हटा दोगे. ठीक है, तो हॉर्स एंड काउ में आपने इंजेक्ट किया बैक्टीरियल टॉक्सिन, बैक्टीरियल टॉक्सिन के अगेंस्ट हॉर्स और काउ ने बनाया एंटीटॉक्सिन. अब उस क्योंकि जब बार बार आप उसको बैक्टीरियल टॉक्सिन देते जाओगे तो बहुत सारे एंटीटॉक्सिन बन जाएंगे. इट विल लीड टू प्रोडक्शन ऑफ अ लॉट ऑफ एंटीटॉक्सिन एंड आफ्टर दैट यू कैन टेक आउट द ब्लड विद द हेल्प ऑफ एन इंजेक्शन फ्रॉम हॉर्स और काउ एंड देन फ्रॉम द ब्लड यू विल सेपरेट द प्लाज्मा फर्स्ट. फिर प्लाज्मा में से देन यू विल रिमूव द क्लॉटिंग फैक्टर्स, देन इट विल बिकम सीरम. Then you can separate the serum, and from the serum you can separate antitoxins. From the serum you can separate antitoxin. Now you can use these antitoxins for different diseases caused by bacteria. Good enough. Now we come on to the production of vaccines. ठीक है, तो अब जैसे कि उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे स्नेक बाइट में, फॉर द स्नेक बाइट, अगर सब किसी को स्नेक बाइट हुआ है तो उसके ट्रीटमेंट में इट इन्वॉल्व्स द इंजेक्शन, लाइक स्नेक बाइट ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स द इंजेक्टिंग पर्टिकुलर एंटी वेनोम एंटीटॉक्सिन. तो सपोज अगर हम स्नेक बाइट में किसी को इंजेक्शन दे रहे तो हमें ऐसा इंजेक्शन देना पड़ेगा जो स्नेक के वेनम के अगेंस्ट का वर्क कर सके. तो स्नेक बाइट में हम एंटी वेनाइन या एंटी वेनम इंजेक्शन देते हैं. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, so now we come on to the next thing, that is the sweet I'm just moving on to the next slide. Okay, oh sorry. Okay, so I'm telling you about the can zoom it less and then we'll be having the space to write. So I'm having the space to write here. So for example, there are some few serums which are produced by scientists. So there are a few serums here. So first of all, there is a serum that is called as the blood clotting factor 8 for the treatment of hemophilia. Blood clotting factor, which is 8th factor for treatment of हीमोफीलिया ए. दो तरह की हीमोफीलिया होते हैं, ठीक है. सो हीमोफीलिया, हीमोफीलिया इज बेसिकली अ डिजीज जिसमें क्या होता है, देयर इज यू नो, अगर कोई इंजरी होती है तो ब्लड जो है कंटिन्यूज टू फ्लो, कंटिन्यूज टू ऊज आउट, ब्लड कंटिन्यूज टू आउट. ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें ब्लड बाहर निकलना बंद नहीं होता है और इस वजह से होता है बिकॉज देर इज यू नो जेनेटिक एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8. देर आर 12 फैक्टर्स, सो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 गायब होता है. तो इसमें हम क्या करते हैं कि उस पेशेंट को हम इंजेक्शन के थ्रू ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 दे सकते हैं जिससे हीमोफीलिया ए को हम प्रिवेंट, यू कैन से ट्रीट कर सकते हैं. तो अगर फैक्टर 8 उसको इंजेक्शन के थ्रू देंगे तो ब्लड, जब भी उनको कोई इंजरी होगी या बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर, इंटरनल इंजरीज और एक्सटर्नल इंजरीज, देन इन दोस केसेस ब्लड विल नॉट कंटिन्यू टू फ्लो आउट. सो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 इज अ टाइप ऑफ सीरम विच यू कैन इंजेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ इंजेक्शन. ओके, सो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सीरम है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सीरम है. इसको एज सच बनाया नहीं गया है, इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है. तो यू विल सी इन द
हायर क्लासेस दैट व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय जेनेटिक मॉडिफिकेशन. और दूसरा हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड सीरम होता है फैक्टर नंबर 9. सो फैक्टर नंबर 9 होता है, इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया बी. इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, वो बताया था हीमोफीलिया दो टाइप के होते हैं, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी. ओके, फैक्टर नंबर 9 को हम लोग क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं. ओके, तो ये भी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सीरम है जो हीमोफीलिया बी के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है. ओके, कमिंग ऑन टू दी, तो आई एम जूमिंग इट लेस, देन यू विल बी एबल टू सी एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन. ओके, स्लाइटली मोर. नाउ वी कम ऑन टू द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन. सो वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन इज एनी जर्म और जर्म सब्सटेंस प्रोड्यूस इन टू द बॉडी टू डेवलप रेजिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर डिजीज. ठीक है, जैसे बच्चों में भी आपने देखा होगा कि आपको, आपके घर में कोई बच्चा होगा तो उसको वैक्सीन लगती है. तो वैक्सीन इज एनी टाइप ऑफ जर्म और जर्म सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस है विच इज वेन इंट्रोड्यूस टू द बॉडी ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, देन इट हेल्प्स अस टू डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज. फॉर एग्जाम्पल, अगेंस्ट पोलियो देर इज अ वैक्सीन, दैट इज पोलियो वैक्सीन विच रेजिस्ट दी, और यू कैन से विच हैज रेजिस्टेंट टुवर्ड्स दैट पोलियो वायरस. ओके, तो इस तरीके से हम वैक्सीन को बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं. तो वैक्सीन इज बेसिकली प्रिपेरेशन कंसिस्टिंग ऑफ वीकेंड और डेड जर्म सब्सटेंसेस. ठीक है, तो इसमें हम या तो वीक सब्सटेंस का यूज करते हैं या फिर डेड सब्सटेंस का यूज करते हैं. ठीक है, तो वैक्सीन में, वैक्सीन इज क्या है? वैक्सीन इज दी, वैक्सीन क्या है? इट इज अ प्रिपेरेशन, ये एक प्रिपेरेशन है. इट इज अ प्रिपेरेशन कंसिस्टिंग ऑफ वीकेंड और डेड जर्म सब्सटेंसेस. कहने का मतलब ये है कि जैसे इन इन रीसेंट थिंग्स लाइक देयर वाज कोरोना व्हिच वाज वेरी प्रेवलेंट इन ऑल द कंट्रीज एंड ऑल द बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो वी प्रिपेयर्ड कोरोना वैक्सीन. ओके, अगेंस्ट कोरोना वायरस. सो व्हाट इज अ वैक्सीन? वैक्सीन में क्या है कि हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का वीकेंड फॉर्म या डेड सब्सटेंस लेते हैं और उसको एक पर्टिकुलर इंजेक्शन में इस तरीके से फिल कर देते हैं. ओके, और फिर उस इंजेक्शन में से सिरिंज में उसको फिल करते हैं. सिरिंज है, ठीक है, ये सिरिंज है और ये इंजेक्शन है. ठीक है, ये देखो, ठीक है, इससे हम सिरिंज में इसको फिल करते हैं और इंजेक्ट कर देते हैं. इंजेक्ट करना एक प्रोसेस होता है, यानी हम बोलते हैं इंजेक्शन लगा दिया, तो ये इंजेक्शन नहीं, इट इज एक्चुअली अ सिरिंज. ओके, इट इज एक्चुअली अ सिरिंज. इसमें से हम इस बॉटल में से इसको फिल कर रहे हैं सिरिंज को और उसको इंजेक्ट कर रहे हैं. तो इस बॉटल में एक्चुअली क्या है? वैक्सीन है. तो सपोज करो कोरोना वायरस, हमने कोरोना वायरस लिया और उसको वीक कर दिया, या तो उसको वीक कर दिया या फिर उसको डेड फॉर्म में लिया और उसको एक इंजेक्शन या एक पर्टिकुलर बॉटल में उसको फिल कर दिया और उसी वीकेंड पैथोजन को हमने बॉडी में इंजेक्ट किया. तो क्या होगा? आपकी बॉडी उस वायरस को पहचानेगी, उसको आइडेंटिफाई करेगी, उसके अगेंस्ट मेमोरी क्रिएट करेगी. जब तक बॉडी आइडेंटिफाई नहीं करेगी कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो वो उसके अगेंस्ट मेमोरी कैसे क्रिएट करेगी? कोरोना वायरस तो कभी भी बॉडी में आ सकता है, जरूरी नहीं है कि एक बार आए या दो बार आए, वो कितनी भी बार आ सकता है. तो बॉडी शुड अंडरस्टैंड दैट इट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वायरस एंड आई नो दिस वायरस. ओके, इट क्रिएट्स अ मेमोरी अगेंस्ट दैट वायरस. ओके, और अ बैक्टीरिया और एनीथिंग. ओके, सो वैक्सीन देने का मोटिव क्या है? वैक्सीन हम क्यों दे रहे हैं? वैक्सीन हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वैक्सीन क्या करती है? दे क्रिएट मेमोरी ऑफ अ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, सो वैक्सीन्स में हम क्या कर रहे हैं? उसी पर्टिकुलर डिजीज का हम वही पैथोजन को या तो वीक फॉर्म में डाल रहे हैं या फिर बिल्कुल डेड फॉर्म में डाल रहे हैं. इन ऑर्डर
की बॉडी उसको आइडेंटिफाई करे और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाए. ठीक है, तो वैक्सीन जब भी हम इंजेक्ट करते हैं तो क्या होता है, वैक्सीन को सपोज आपने इंजेक्ट किया, इंजेक्ट करने के बाद या वैक्सीनेशन एक प्रोसेस होता है जिसको हम वैक्सीन देने की जो प्रोसेस है वो वैक्सीनेशन होता है. सो इंजेक्ट किया या वैक्सीनेट किया किसी पर्टिकुलर पर्सन को, देन द द बॉडी विल आइडेंटिफाई द पैथोजन और द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट. अब ये एंटीबॉडीज पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे. आपने पढ़ा, यू नो दैट एंटीबॉडीज आर ऑलवेज फॉर्म्ड अगेंस्ट एंटीजन्स. सो दीज एंटीबॉडीज दे विल स्टार्ट फाइटिंग विद एंटीजन्स. एंटीजन कौन है यहाँ पे, कौन है एंटीजन यहाँ पे, जो वैक्सीन दे रहे हो ना आप, उसके अंदर जो पैथोजन है वैक्सीन के अंदर, वही तो एंटीजन है. उसी के साथ एंटीबॉडी फाइट करेगी और उस एंटीजन को एलिमिनेट करेगी. इसीलिए वैक्सीन की डोजेस होती है, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, बूस्टर डोज. तो ये डोजेस क्यों है, हम डोजेस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट डोज में थोड़ा कम, थोड़ा लाइट पैथोजन डालेंगे, थोड़ा लाइट फॉर्म में डालेंगे वैक्सीन. सेकेंड डोज में थोड़ा हैवी डोज होगा, बूस्टर डोज में थोड़ा और हैवी डोज होगा. तो इससे क्या होगा, अगर एक पहली बार में हैवी डोज दे दोगे तो जो बैक्टीरिया, जो बॉडी है वो एकदम से सरप्राइज हो जाएगी एंड इट विल नॉट बी एबल टू फाइट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पैथोजन और हम बीमार हो जाएंगे ज्यादा. इसीलिए वैक्सीन को हमेशा हमें, हम क्या करते हैं, सिक्वेंशियल मैनर में देते हैं, धीरे 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 इंट्रोड्यूस करते हैं. फर्स्ट डोज लाइट होती है, सेकेंड डोज थोड़ा सा हैवी होती है एंड थर्ड डोज और द बूस्टर डोज इज वेरी हैवी. ठीक है, तो उसके बाद जब फिर वही वायरस या बैक्टीरिया नेक्स्ट टाइम आपकी बॉडी में आएगा तो योर बॉडी हैज इनफ मेमोरी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज वेरी इजीली अगेंस्ट दैट ऑर्गेनिज्म. ओके, सो दैट इज अ बेसिकली आइडिया ऑफ गिविंग अ वैक्सीन. ओके, सो चिल्ड्रन, जैसे बच्चों में जैसे ही डिलीवरी होती है उसी टाइम से वैक्सीन स्टार्ट हो जाती है और हर इंटरवल पे लाइक 1 month में, 2 month में, 3 month, 6 months, 1 year, 2 year, 3 year, जब तक वो 5 years का हो जाता है तब तक उसको वैक्सीन कुछ कुछ इंटरवल्स में देते रहते हैं. ओके, सो वैक्सीन हमारे पास लाइक बहुत सारी वैक्सीन है, लाइक फ्यू ऑफ देम आर रिटन हियर. दैट इज अ टैब वैक्सीन. टैब वैक्सीन में किल्ड बैक्टीरियाज को यूज करते हैं, हम पैरालाइज या वीकेंड बैक्टीरिया यूज नहीं कर रहे हैं. तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैक्सीन में क्या यूज कर रहे हो. इसको हम देते हैं टाइफाइड के अगेंस्ट. ओके, बीसीजी इज अ टाइप ऑफ वैक्सीन जिसमें हम लिविंग या फिर वीकेंड पैथोजन को यूज करते हैं एंड इट इज गिवन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस. ट्रिपल वैक्सीन इज, ट्रिपल वैक्सीन को हम लोग डीपीटी वैक्सीन कहते हैं. डीपीटी वैक्सीन, डी इज फॉर डिप्थीरिया, पी इज फॉर वूपिंग कफ और पर्टूसिस. वूपिंग कफ को हम लोग पर्टूसिस भी कहते हैं. ओके, एंड टेटनस, टेटनस, टी फॉर टेटनस. एंड देयर इज वन मोर थिंग, पोलियो. पोलियो भी साथ में, पोलियो की अलग से वैक्सीन होती है, वो थोड़ा सा ऊपर आ गया स्लाइड में, सॉरी. सो पोलियो हैज इज अ डिफरेंट वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन बोलते हैं इसे. तो पोलियो वैक्सीन इज गिवन फॉर पोलियोमेलाइटिस वायरस. ओके, क्लियर, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो दीज आर द टाइप ऑफ वैक्सीन विच वी यूज अगेंस्ट पर्टिकुलर डिजीजेस. ओके, सो द नेक्स्ट यूज ऑफ bacteria is to produce the production of toxoids. Okay, so toxoids kya hai, they are the inactivated toxins of bacterial of particular bacteria which can stimulate the production of respective antibodies. To ye basically jo toxoids hote hain ye mostly useful hote hain to provide the immunity against diphtheria and tetanus. तो ये भी एक वैक्सीन का ही टाइप है, बट इनको हम टॉक्सॉइड्स बोलते हैं. ये इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स ही होते हैं ऑफ पर्टिकुलर बैक्टीरिया. सपोज टेटनस का बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, सॉरी यही लिख देती हूँ. ठीक है, और डिप्थीरिया का बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम Okay, तो ये जो दोनों बैक्टीरिया, इन्हीं से हम टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे.
इन्हीं की हेल्प से हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स जो इनके टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे, फिर इस टॉक्सिन को इनएक्टिवेट।